हेलो 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 गाइस, वेलकम बैक टू स्मार्टी पैर रिएक्ट्स। आज के दिन हम लोग रिएक्ट करने वाले माइनक्राफ्ट के कुछ बहुत ही एपिक और 1000 आईक्यू मोमेंट्स के ऊपर, जो कि तुम लोगों को कभी कभी देखने के लिए मिलते हैं। और इस वीडियो पे गाइस आज मैं रिएक्शन इसीलिए देने वाला बिकॉज मैंने इस वीडियो के कमेंट्स पढ़े और इसके कमेंट पे गाइस मुझे मेरा नाम बहुत बार दिखा, तो आई एम थिंकिंग कि शायद से इस वीडियो के अंदर भी मेरा कोई यहाँ पे 1000 आईक्यू वाला मोमेंट डाला होगा। तो मैं देखना चाहता हूँ कि भाई मेरा ऐसा कौन सा 1000 आईक्यू वाला मोमेंट है भाई, जिसको 1.7 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने देखा है भाई। तो मैं उस चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड। इफ यू are excited, smash like. All right guys, gamers 1000 IQ moments in Minecraft, number one. Let's see, number one पे कौन है? number one पे स्मार्टी पाई है भाई साहब, let's go. Okay, कौन सा moment है? मैं देखना चाहता हूँ। I remember ये वाला कौन सा moment guys? I remember, देखो starting से देखो। ये जो बंदा सामने भाग रहा है ना, ये ड्रीम बॉय भाग रहा है और इतना तेज बंदे है ना गाइस ये लोग ना, इन्होंने क्या किया थोड़ा सा मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। एसजी और फलाना जी वेट कर रहे थे, ड्रीम बॉय मेरे को भगा के ला रहा था अपने पीछे, एंड वहां पर एक ट्रैप इन्होंने बनाया हुआ था, एंड एकदम परफेक्ट टाइम में देखो यहाँ पे यही मैंने छलांग मारा, मैं नीचे घुस गया। एंड ये गाइस जो ट्रैप है, इस ट्रैप को बोलते हैं क्विक सैंड ट्रैप, बहुत खतरनाक होता है, बचना इम्पॉसिबल है। ये देखो यहाँ पे मैं नीचे घुस रहा हूँ, आपको देंगे ही नहीं बिल्ली आपको। यस, ये वो वाला मोमेंट था जब मेरी बिल्ली इन लोगों ने चोरी कर दी थी यार। आपको बिल्ली नहीं मिलने वाली, तुम लोगों ने यहाँ पे ट्रैप बनाया हुआ था नीचे। यस, और तुम लोग यहाँ पे पीस की बात कर रहे हो, पीस की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं अजय भाई, आप पीस की बात कर रहे हो, कमाल कर रहे हैं यार, यहाँ पे ट्रैप बनाया हुआ इतना खतरनाक के लिए बनाया था यार, 4-5 वीडियो 50 साल। क्या हो रहा है, मैं दलदल में धस रहा हूँ ऐसा लग रहा है। ये एक्चुअली बहुत स्केरी मोमेंट था, बहुत ज्यादा स्केरी मोमेंट था। यहाँ पर बहुत सी पॉसिबिलिटीज थी जो की मैं कर सकता था, बट तुम देखो मैंने यहाँ पर क्या किया। देख रहे हैं यहाँ पे कितना सारा वो लगाया था इन लोगों ने भाई यहाँ पे। ओ माय गॉड, क्या भाई कमेंट सेक्शन में भाई, बड़े सांप पाल के रखे भाई मैंने कसम से यार। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ सांप पाल के रखे, बिकॉज मेरे ही सब्सक्राइबर्स ने, बेसिकली एसजीओ के सब्सक्राइबर्स ने एसजीओ को कमेंट में बताया था कि भाई इस तरीके से तू स्मार्टी पैर को फंसा सकता है। सो यार, और मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ लिटरली। ओ माय गॉड, सांप पाल के रखे है भाई। और यहाँ पर गाइस जैसे ही मैंने अपनी इन्वेंटरी खोली ना, मेरी नजर गई पर्ल्स के ऊपर और कुछ ब्लॉक्स के ऊपर, एंड आई वाज लाइक एक ही रास्ता है से बचने का, जो कि पर्ल्स। I love साहब जी, thank you so much मुझे बताने के लिए ट्रैप। ये देखो मैंने पर्ल नीचे निकाल दिया है पूरी तरह से। एंड मैं तुम लोगों को एक और बात बताता हूँ गाइस, यहाँ पे चलो ये बताता हूँ, थोड़ा आगे बताता हूँ तुम लोगों को। यहाँ पर एग्जैक्टली मेरे दिमाग में क्या चल रहा था मैं तुम लोगों को बताता हूँ। खुशी हो रही है यहाँ पे। ओ माय गॉड, देखो नीचे गिरो, मैं नीचे गिरो, मैं नीचे गिरो। अब ये मैं यहाँ पे नाटक कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली यहाँ पे नाटक कर रहा था। प्लीज मैं मेक श्योर करना चाहता था कि मैं इनको बताऊं कि भाई मैं मर रहा हूँ यार, एक्चुअली मैं बच नहीं सकता हूँ, ताकि वो लोग खुश रहे एंड मेरे को टाइम मिल सके। नहीं करना था पर क्या ही करें। मैं वापस आ रहा हूँ, मेरे को मेरी बिल्ली चाहिए, समझ में आ रही बात। देखा, अब यहाँ पर मैं मेक श्योर कर चुका था कि मैं ऑलमोस्ट नीचे गिरने वाला हूँ, अब मैं बच जाऊंगा 100%। नहीं आ सकते आप। एंड देखो यो, ओ भाई परफेक्ट टाइमिंग, व्हाट। अब देखो यहाँ पर बच गया था, वो निकला अब यहाँ से मैं गिरता हूँ शायद से। यस, याद है मेरे को भाई, याद है मेरे को भाई, सब कुछ याद है मेरे को भाई। नंबर टू, अब देखो मैं तुम लोगों ने एक छोटी सी बात बताता हूँ यहाँ पर क्या हुआ था। यहाँ पर बिल्कुल स्टार्टिंग में जब मैं आया, जब मैं पर्ल को नीचे निकाल रहा था, तो मुझे एक्चुअली ऐसा फील हुआ कि मेरे सर के ऊपर 2 लेयर्स कॉबवेब की है, एंड अगर मैं पर्ल ऊपर के लिए मारूंगा तो अटक जाएगी, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। कॉबवेब के थ्रू मेरी पर्ल बाहर जा सकती थी और मैं डायरेक्ट बाहर छलांग मार सकता था, बट उस वक्त मुझे पता नहीं था इसके बारे में, क्योंकि मैंने कभी टेस्ट नहीं किया था। अगर मुझे पता होता तो डेफिनेटली मैं उसका इस्तेमाल करता। और मैंने एक बहुत ही मस्त कमेंट पढ़ा था, देखना गाइस यहाँ पे, एट द स्मार्टी पाइस क्लिप नॉट इवन अ सिंगल स्मार्टी पाई सब्सक्राइबर टोल्ड टू एसजीओस द ट्रिक, ही इज जस्ट टेलिंग टू हर्ट स्मार्टी पाई फ्रॉम द हार्ट। ये बहुत ज्यादा क्यूट कमेंट था, बट ऐसा नहीं है एक्चुअली। एसजीओ को कुछ सब्सक्राइबर्स ने बोला था इस टाइप के ट्रैप का आप इस्तेमाल कर सकते हो स्मार्टी को फंसाने के लिए, तभी उसने किया था भाई, ऐसा नहीं कि वो अपने दिल से बोल रहा है यार। इस कमेंट में बंदे ने भाई साफ साफ बोल दिया, मतलब दिल से चाहता था एसजीओ मुझे मारना है, ऐसा नहीं है भाई, इतना बुरा दोस्त नहीं है मेरा वो। नंबर टू, लेट्स सी नंबर टू पे कौन है, टेक्नो गेमर्स। ओके लेट्स सी, वो इतनी गंदी तरह पिटेगा ना आप लोगों को भी, खुद देखो क्या होने वाला है उसके साथ। अभी हम लोग यहाँ पे एंटर ड्रैगन फाइट की बात कर रहे हैं, एंड यहाँ पर कैसा 1000 आईक्यू मोमेंट हो सकता है भाई, ये थोड़ा एक्साइटिंग बात है। फटाफट से अपना इलाइट्रा यूज करके ना टॉप पे जाना है एकदम अपनी मशीन, व्हाट, और यहाँ पर आकर ना एकदम सही तरीके से। ये कौन सी मशीन है भाई, थोड़ा सा घूम के आके ना एकदम मस्त सेफ लैंडिंग करना चाहता हूँ यहाँ पे, लेट्स गो। अब बस मुझे कुछ नहीं करना, सारी की सारी मशीन चालू कर देनी है। 3, 2, 1 लेट्स गो स्टार्ट। एक सेकंड रुको, डोंट टेल मी कि टीएनटी कैनन टाइप बनाया हुआ है। अब जैसे यहाँ पर ब्लॉक, यस, एंड गाइस मैं तुम लोगों को एग्जैक्ट बताऊं तो ये जो मैकेनिज्म है, ये जैसे मान के चलो ये 4 साइड बनाया ना टेक्नो ने, एक साइड का मैकेनिज्म मैंने भी बनाया था अपने हेमलैंड के आई गेस सेकंड एपिसोड में सीजन 3 के एसजे वगैरह को मारने के लिए, और यहाँ पर उज्जवल ने बनाया पूरे 4 बिग ब्रेन। मैं बहुत रोया हूँ इस चीज में,
तो गाइस अच्छा मैं समझ गया यहाँ पर क्या हो रहा है। एंडर ड्रैगन किलिंग मशीन, ऑटोमेटिक एंडर ड्रैगन किलिंग मशीन भाई, ऐसा भी कुछ होता है? मुझे नो आइडिया। मशीन अनगिनत एंडर ड्रैगन माइनक्राफ्ट के सबसे बड़े मॉन्स्टर को 1000 क्या भाई 1 लाख क्यों में मार सकते हैं? आईक्यू मोमेंट है भाई ये, सीरियसली। जैसे एंडर ड्रैगन सेंटर में जाता है अपना मेन वो डांस स्टेप करने, तभी उसकी मौत आ जाएगी। और मैं तुम लोगों को बताऊं यहाँ पर क्यों इतना एफिशिएंट है, जो मेरा भी दिमाग चल रहा है, क्योंकि देखो गाइस यहाँ नीचे सेंटर है एंड जैसे एंडर ड्रैगन नीचे जाएगी यहाँ से लगभग आएगा 100-200 ब्लॉक 300 ब्लॉक ऊपर है, एंड जब यहाँ से टीएनटी लाइट अप होकर नीचे जाता है ना तो एग्जैक्ट एंडर ड्रैगन के मुंह के पास फटता है। एंड जब कंटिन्यूसली एंडर ड्रैगन को इतनी ज्यादा डैमेज पड़ता है ना तो वो अपने बेस से बैठ नहीं पाती है एंड वो वहीं पे फ्रीज हो जाएगी और मर जाएगी। ये बहुत ही ओपी है, बहुत ही ओपी है, मुझे इस बारे में नहीं पता था, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। ब्रीथ है यार, ओह माय गॉड यार, तो बस ऐसे एक ब्लॉक लगा देना, कुछ नहीं होता। बाकी बहुत हो गया अभी ये सैंडर ड्रैगन का, ये एकदम नीचे जा चुका है और वो देखो गाइस हेल्थ बार में, ओह माय गॉड यार बहुत ओपी है यार, बहुत ओपी है यार, ठीक है ना। वो वाला जो एंड क्रिस्टल है वो नीचे है, ऊपर नहीं है, और वो देखो अच्छा बिना एंड क्रिस्टल को फोड़े मार सकते हैं ना इसमें तो, यस मरना शुरू। और ऊपर देखो भी कैसे मर रहा है एंडर ड्रैगन, इधर गिरे जा रहे भाई साहब, हुए जा रहा है। लेट्स गो, एंडर ड्रैगन मर गया, मुझे ना सारी की सारी मशीन अभी ना रोकनी पड़ेगी। भाई सोच रहे हो कि मशीन बंद करने की क्या जरूरत है, मैं बताता हूँ। ये जो टीएनटी है ना, ये आपकी जो एक्सपी मिलती है एंडर ड्रैगन से, वो भी ब्लास्ट कर देंगे। बाकी एंडर ड्रैगन अच्छा मुझे इस बारे में भी नहीं बता रहा भाई, आपने खुद देखा घोड़े यार, ये तो बहुत ज्यादा ओपी था। 3 लाख लाइक्स और ये मैं अपने वर्ल्ड में ट्राई करने वाला 100%। Alright, number 3, Game of Fleet. Let's go, यहाँ पर क्या करने वाले? I guess वो यहाँ पे करने वाले हैं घोड़े वाला MLG. उसके एकदम से उसके ऊपर राइट क्लिक करना है ताकि हम उसपे बैठ सके। ओके, टफ होता है, ऐसा मत समझो कि आसान होता है, टफ होता ही है। मैंने भी ट्राई किया, टफ होता ही है। फ्लीट भाई, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ओके, क्लाइमैक्स दिखाइए हमको। अरे सीरियस, मैं एक बार फिर से देखना चाहता हूँ यार भाई ये मोमेंट, बिकॉज ये बहुत टफ होता है, बहुत टफ होता है ये। मैं चेस्ट के अंदर से फिर इलाइट्रा को निकालना और पहनना। एक सेकंड रुको भाई, भाई ये चीज मैं यहाँ पे स्लो मोशन में देखना चाहता हूँ। देखो तुम लोग यहाँ पे, ये बहुत टफ होता है, मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। देखो यहाँ से इलाइट्रा को निकाला और पहना, ओ माय गॉड ओपी यार, ये बहुत टफ होता है, बहुत टफ होता है। मैंने आज तक कभी ट्राई नहीं किया, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत टफ होता है ये। ओ माय गॉड यार, कसम से भाई तुम लोग अपने वर्ल्ड में ये सेम चीज बनाओ और ये करके देखो भाई। ओके, इस बार 100% गाइस, 3 लाख लाइक्स और ये भी मैं यहाँ पे ट्राई करने वाला 100%। ये बहुत टफ होने वाला है, मैं पक्का करूंगा। पर यार कुछ ही बोला, फ्लीट भाई भाई बहुत ज्यादा प्रो है यार, बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल। ईशान भाई के बाद जब भी रिएक्शन देता है वो विदर को ही मार रहे थे भाई, ये तो कुछ नेक्स्ट लेवल ही प्रो बंदे हैं। मैं कभी विदर से लड़ना चाहता ही नहीं हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ मैं। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 विदर्स के साथ पंगा ले रहे भाई साहब। नहीं तब पास में जाओ, वो बच गए। अरे तब पास नहीं जा रहा फ्लीट, अपने ईशान भाई मार देते हैं ये। और देख रहे हो यहाँ पे विदर कैसे खत्म हो रहे हैं, आयरन गोलम ने बैंड बजा दिया इनकी। ओह माय गॉड यार ब्रो, भाई सच बता रहा हूँ मुझे भी समझ नहीं आ रहा, धड़ाधड़ मार रहे भाई ये विदर्स को यार, आयरन गोलम्स। ओह माय गॉड, और देखते ही देखते हमारे 7 विदर स्केलेटन्स, आई मीन विदर बॉसेस खत्म। देख रहे हो यहाँ पे लिटरली 30 सेकंड्स के अंदर शुरुआत ही खत्म हो गया सच्ची में। ओह माय गॉड, ये भी बहुत ज्यादा ओपी था यार, मतलब पूरी की पूरी लाइक आयरन गोलम्स के लिए 50-60 आयरन गोलम के खानदान यहाँ पर पैदा करा दिए और 6-7 विदर ऐसे ही मर जाएंगे, गुड। इसके अलावा एक और वीडियो मेरे को देख रही है, माइनक्राफ्ट द बेस्ट एपिक मोमेंट्स इन टिकटॉक कंपाइलेशन, इसको देखते हैं। अब गाइस इसमें गाने बजे तो मैंने यहाँ पर म्यूट किया हुआ ताकि यहाँ पे कॉपीराइट ना लग जाए मेरे को, इन्हें दिक्कत हो जाएगी फिर। एंड यहाँ पे कुछ तो हो रहा है, आई हैव नो आईडिया यहाँ पर क्या हो रहा है। ओ भाई साहब ओपी स्केलेटन, एक सेकंड रुको, क्या उसने सच्ची में यहाँ पे फुल डायमंड का आर्मर पहना हुआ था? सच में पहना हुआ था भाई, डायमंड का आर्मर 0.01%। एंड गाइस जो ये है ना 3.3% प्रोबेबिलिटी वाला स्ट्राइडर जॉकी, ये तो मेरे को ना कम से कम 4-5 बार मिल चुका भाई, 4-5 बार। ये भी भाई बहुत ज्यादा तगड़ा भाई ओपी स्केलेटन, बट ये मेरे को मिला नहीं है। लेकिन अब मैं तुम लोग एक बार बताऊं, मैं एक चीज यहाँ पे सर्च करना चाहता हूँ अभी, माइनक्राफ्ट लेफ्ट हैंडेड स्केलेटन। गाइस माइनक्राफ्ट लेफ्ट हैंडेड स्केलेटन स्पॉनिंग चांस, ओके, और यहाँ पे लिख रहा है इट इज वेरी रेयर दो विथ ओनली अ 5% चांस, एंड मुझे ये चीज मिली थी। लेफ्ट हैंडेड बंदा, लेफ्ट हैंड से बो चलाने वाला बंदा मुझे मिला था गाइस अभी अपनी आई गेस लेटेस्ट टू लेटेस्ट वीडियो के अंदर, बहुत ओपी था वो यार। ऑलराइट, ये वाला क्या है भाई, ये इतना लैग क्यों कर रहा है? वाओ
ओ ये क्या है, हेलो वेट अ सेकंड, ये इसकी बात कर रहा है शायद से, है ना। फार लैंड्स जनरेटिंग 0.00000001%। ओ माय गॉड। और ये फार लैंड्स क्या चीज है भाई, ये फेक है एक्चुअली, मैं तुम लोगों को बता सकता हूँ। दैट लुक्स इनसेन, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मेरे को लग रहा है ये यहाँ पे एक्चुअली फेक है। व्हाट इज माइनक्राफ्ट फार लैंड्स, देखते एक बार जरा गाइस। फार लैंड नहीं, फार लैंड ब्रो, फार लैंड। मैं एक बार ढंग से यहाँ पे सर्च करने वाला, मेरे को लग रहा है फेक है भाई। फार लैंड कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता भाई। Alright, तो देखो गाइस यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ये एक्चुअली टेरेन जनरेशन होती है ना, जो उसमें एक बग है एक्चुअली, बग जिसमें क्या होता है, जो शेप क्रिएट होती है ना यहाँ पे अलग अलग स्ट्रक्चर्स की, माउंटेन्स वगैरह की, वो ढंग से फंक्शन नहीं करती है। दैट्स व्हाई ये यहाँ पे जनरेट होता है। दिस मींस ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता है फार लैंड्स। एंड गाइस बिकॉज ये एक बग है इसीलिए इसकी इतनी कम प्रोबेबिलिटी है मैन। इसका मतलब ये है कि ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता है और कुछ लोगों को मिला भी होगा। ओ माय गॉड, अगर कभी मुझे मिल गया ना भाई, मजे पड़ जाएंगे यार। मैं इसके इमेजेस वगैरह देखना चाहता हूँ। ओके, फार लैंड यहाँ पे इसमें भी है, हमारे बैड लैंड्स की शेप में, ये लोग यहाँ पे इसमें भी है। यो अगर ये चीज एक्चुअली एग्जिस्ट करती होगी ना यार, तो मजे पड़ जाएंगे यार। मैं एक्चुअली जाना चाहूंगा यहाँ पे अपने हेमलैंड्स के वर्ल्ड के अंदर। ओके गाइस, तो 3 लाख लाइक्स अगेन और हम लोग इसको ढूंढने भी जाएंगे यार। कितनी बार लाइक मांगेगा स्मार्टीफाई, बंद कर यार। ऑलराइट, अगला गाइस हमारा एक बहुत ही सैड मोमेंट है, लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है। नहीं कुत्ता, ओ माय गॉड, नहीं 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 नहीं, प्लीज बचा इसको। अरे लावा को बंद कर ले पा। ओके, ये इसको खाना खिला रहा है बार बार साथ साथ में, बचा दे कुत्ते को प्लीज। ओ माय गॉड, 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 डॉगी बच गया। देखो इसने पूरा 43 थे इसके पास, यहाँ पे सारे खिला दिए भाई, थैंक गॉड। पानी की बकेट नहीं है इस बंदे का, पानी डाल, बच गया डॉगी। ओ भाई, अगर ऐसा हो जाता ना, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, अगर मैं नहीं बचा पाता, मेरे को बहुत दुख होता है कि मेरा डॉगी लावा के भी जाके चल के मर गया यार। Alright guys, this is it for the video man। अब मैं इससे आगे नहीं देख सकता हूँ। तुम लोग मुझे अपने फेवरेट मोमेंट्स यहाँ पे जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड गाइस, स्मार्टी पैरी का एक और वीडियो, एक और एपिसोड बहुत जल्दी आएगा। टिल देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और मिलता है आप लोगों से ऐसे धार्मिक वीडियो में।